चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के। आप अभी देख रहे हैं एस एस खान यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। करते हुए हालात का आना इसकी अलामत है, इसकी अलामत है अल्लाह के राजी होने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की खुदाई का इनकार कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की जात और सिफात का इकरार कर लिया, तो उसके बदले में क्या मिला? नमरूद की तरफ से क्या मिला? बोलो ना, हालात। आग क्या मिला? इतनी ऊंची आग कि परिंदा गुजर ना सके, कोई उसके करीब ना जा सके। कलमा पढ़ा, नमरूद की खुदाई का इनकार कर दिया, बदले में क्या मिला? आग। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके लिए आग नहीं है, जिसने कलमा पढ़ लिया उसके लिए आग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आग से पीछे नहीं किया, आग में कूद गए, आग में कूद गए, अल्लाह ताला और राजी हो गए, और राजी हो गए। इम्तिहान हुआ आग में कूदने का, आग में कूद गए, अल्लाह ताला और राजी हो गए, अल्लाह ताला राजी हो गए। तो अल्लाह ने अगला हुक्म दिया कि 20 बच्चों को बाग और बहार से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। अब बताओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, नाराज होकर दे रहे हैं या राजी होकर दे रहे हैं? और क्या हुक्म दे रहे हैं? बीस बच्चों को कहाँ छोड़ो? जंगल में। चार महीने के छोड़ के निकल जाओ, किले में छोड़ के निकल जाओ, छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़े बगैर काम नहीं चलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं कि बीस बच्चों को जंगल में छोड़ दो, राजी होकर कह रहे हैं, नाराज होकर नहीं कह रहे। तो राजे बीस बच्चों को लेकर चल दिए और जंगल में छोड़कर आ गए। जंगल में छोड़ के आ गए तो अल्लाह ताला और राजी हो गए। जब और राजी हो गए तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बच्चों को जाकर ज़िबह कर दो। छुरी से नाराज है? नहीं, राजी है। मेहनत करने वाले, काम करने वाले, इस दावत में कुर्बानी देने वालों के ऊपर हालात खत्म नहीं होंगे, हालात तो आते रहेंगे शक्ल बदल बदल कर। और हालात इसलिए आएंगे कि अल्लाह ताला उनको तरक्की देना चाहते हैं, अल्लाह ताला तरबियत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकाम देना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपनी रजा का परवाना उनको देना चाहते हैं। इससे हालात आते। लेकिन भाई दोस्तों जो गौर करो, आग जलवाई तो जलने दिया, बीस बच्चों को जंगल में छुड़वाया तो जाया दिया, और बस बच्चे की गर्दन पर छुरी रखवा दी तो गर्दन को कटने दिया। हालात तो आएंगे, हलाकत नहीं आएगी। हालात तो आएंगे, हलाकत नहीं आएगी। हलाकत उनके लिए है जो दीन का काम नहीं करेंगे। और दुआओं की कबूलियत, तरबियत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद उनके लिए है जो दीन का काम करते हुए हालात में चले। तैयार हो? तैयार हो की पाबंदी करते, बस के बगैर काम नहीं होगा। तीन दिन महीने में लगा रहे हैं, लेकिन तीन दिन की पाबंदी क्या है? महीने में चार हफ्ते हैं, एक हफ्ता मुकर्रर करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार हफ्तों में एक हफ्ता मुकर्रर करते हैं। जो हफ्ता मुकर्रर करो उसमें तीन दिन के लिए जाओ, हर महीने उसी में जाओ, हर महीने उसी में जाओ तीन दिन के लिए। किसी महीने में इसमें हालात किस तरह आएंगे? हालात आएंगे, कभी किसी हफ्ते में आसानी होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में हालात आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। लेकिन बराबर यकसू अपने आप को रखो और पाबंदी से उसी हफ्ते में निकलते रहो। बाद मरतबा ऐसा भी होगा तीन हफ्ते खाली निकल गए, कोई काम नहीं आएगा, लेकिन जिस हफ्ते में आपको जाना है सारे काम उसी में आएंगे, सारे काम उसी में आएंगे। अब बताओ क्या करोगे? जरूर निकलना पड़ेगा। ऐसा हो गया तो क्या करोगे?
बोल नहीं रहे, निकलना पड़ेगा। निकलोगे इंशाल्लाह। बहुत से लोग हम में से चालाक भी होते हैं, बहुत से लोग हम में से चालाक भी होते हैं। अमीर साहब के कान में जाके कहेंगे, कुछ सुसर फुसर करेंगे और आगे की जमात से कहेंगे मेरा मशवरा हो गया। क्या हो गया? अगले महीने जाओ, अगला महीने चालाकी मत दिखाओ कुर्बानी के वक्त, चालाकी मत दिखाओ कुर्बानी के वक्त। जब वुजू कर रहे हो तो मिसवाक के लिए मशवरा मत करो, जब नमाज पढ़ रहे हो तो वुजू के लिए मशवरा मत करो। ये तरकीब की पाबंदी है, कुर्बानी का वक्त है, किसी तकाजे पर जाना होता तो बात करते। तरकीब की पाबंदी में मशवरे मत करो, तरकीब की पाबंदी में कुर्बानी।